नमस्कार, मैं हूं सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, इंद्र कार्ड रीडर। पिछले कुछ दिनों से हम प्रयास कर रहे हैं कि गीता जी के प्रत्येक अध्याय का क्या महात्म्य है, और ये जो महात्म्य है हम तरह तरह की रोचक कहानियों के माध्यम से जानने का प्रयास कर रहे हैं, और इसमें जो छुपे हुए मैसेज हैं उनके द्वारा हम गीता जी को कुछ और बेहतर तरीके से जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज आता है नवा अध्याय, की नवे अध्याय का क्या महात्म्य है। तो कहा जाता है कि एक माधव नाम के ब्राह्मण थे, और माधव नाम के जो ब्राह्मण थे बहुत ही विद्वान थे, वेद वेदांगों के ज्ञाता थे, और अक्सर हवन यज्ञ इत्यादि करते रहते थे। एक बार उन्होंने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, और उसके अंत में बकरे की बलि दी जानी चाहिए थी। तो जैसे ही बकरे को लाया जाता है और उसको पूजा जाता है, जब उसको पूज लेते हैं बकरे को, तो अब उसकी जब बलि का समय आता है तो बकरा जोर जोर से हंसता है और पूछता है कि हे ब्राह्मण, इन यज्ञों द्वारा तुम्हें क्या लाभ है? अगर कोई ये लाभ होने वाला होता तो तुम मेरी ओर ही देख लो कि ये जो तुम कार्य कर रहे हो ना, ये भी जन्म जरा और मृत्यु के कारण है, और कुछ नहीं तो वर्तमान में मेरी ही दशा देख लो। अब जब बकरा इस तरह की भाषा बोलता है तो वहां पर जितने भी ब्राह्मण होते हैं बड़े कौतूहल में आ जाते हैं, बड़े अचरज में आ जाते हैं, और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आप किस जाति के थे और आपका स्वभाव और आचरण कैसा था जो आप बकरे की योनि में आए हैं, तो आप हमें बताइए। अब बकरा क्या कहता है कि पूर्व जन्म में मैं ब्राह्मण था और बहुत ही ऊंचे कुल में पैदा हुआ था, लेकिन क्योंकि उन ब्राह्मण देवता का बच्चा बीमार रहता था, तो एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि बच्चा बहुत बीमार है और मैंने माँ दुर्गा का आवाहन किया है, पूजा की है, और अंत में मुझे बकरे की बलि देनी होगी, तो कृपया आप मुझे बकरा लाकर दीजिए। अब क्या होता है कि संतान का मोह ऐसा ही होता है कि इंसान कुछ भी करने पर आमादा हो जाता है, लेकिन देखिए, दुख हो या सुख हो, ये सब हमारे ही कर्मों से हमें मिलता है। ईश्वर कभी किसी को दुख देकर या तकलीफ देकर खुश नहीं होते, ये हमारे अपने कर्म होते हैं, और मेरा ये मानना है कि हमें कष्ट उठाकर भी उसको सहन कर लेना चाहिए, अन्यथा क्या होता है। आगे की कथा बताती है कि बकरे को जब ब्राह्मण देवता ने बकरा ला दिया और मंदिर में जब उस बकरे की बलि दी जाने लगी, तो बकरे की जो माता थी वह उस जगह पर आ जाती है और ब्राह्मण को गुस्से में श्राप देती है कि तू मेरे बच्चे की हत्या कर रहा है, तो जा, अगले जन्म में तू भी बकरा होगा। तो इस प्रकार से जो ब्राह्मण थे उन्होंने नीच कर्म किया था, बलि देना एक नीच कर्म के अंतर्गत आता है, तो क्योंकि ब्राह्मण थे और नीच कर्म किया था, और भले ही वो एक निंदनीय योनि में थी, पशु योनि में थी, लेकिन तो भी उसका जो श्राप था वह फलीभूत हुआ। तो यहाँ पर हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए, उन ब्राह्मण देवता ने भरे समाज में अपने पूर्व जन्म की साक्षी दी कि भले ही हम किसी जीव जंतु को सताएं, लेकिन उसकी अंतरात्मा से भी श्राप निकला करते हैं, और वे उच्च कुल के ब्राह्मण होने के बाद भी, वेद वेदांगों के ज्ञाता होने के बाद भी, उस श्राप से नहीं बच सके और अगले जन्म में वे बकरा ही बने, और उन्हें भी बलि के लिए लेकर जाया गया, बकरे को बलि के लिए लेकर जाया गया। तो उन्होंने बोला कि मैं हालांकि पशु पक्षियों की योनि में जन्म ले रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं ब्राह्मण था और मेरे कर्म अच्छे थे, तो पूर्व जन्म की स्मृतियाँ मुझे अभी भी बनी हुई हैं। और वह बकरा बोलता है कि अगर इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक तुम कथा सुनना चाहते हो, शिक्षाप्रद कुछ कथा सुनना चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ कि कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर है जो कि मोक्ष प्रदान करने वाला है, और यहाँ पर एक चंद्र शर्मा नामक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। तो सूर्य ग्रहण लगा था और राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष दान की तैयारी की, और एक बहुत अच्छे विद्वान ब्राह्मण को बुलाया। काल पुरुष का दान कोई भी हो, उसको ग्रहण करना जितना रुचिकर लगता है, उसको पचा पाना हर किसी के वश की बात नहीं होती,
कथा यह भी मैसेज देती है। तो काल पुरुष के दान के निमित्त एक बहुत विद्वान ब्राह्मण को बुलाया गया और पुरोहित के साथ वे सभी स्नान इत्यादि की क्रियाएं करके जब काल पुरुष का दान उन्होंने कर दिया, तो जब काल पुरुष का दान हुआ तो उसमें से एक बहुत भयंकर काल पुरुष का हृदय चीर कर एक बहुत भयंकर काले रंग का पुरुष निकला, पाप आत्मा चिंडाल निकला, और थोड़ी देर के बाद ही निंदा भी चांडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। दान को ग्रहण करने वाले को दाता के पाप का भागी होना पड़ता है, ये कथा बताती है। अब राजा के शरीर से, राजा ने काल पुरुष का दान किया मीन्स उसका भार हल्का हुआ, मीन्स राजा के शरीर में भी विकार थे, पाप था तभी वो चांडाल प्रकट हुआ, और राजा के भी पाप कर्मा थे तभी चांडाली निंदा रूपी चांडाली निकली, यानी राजा निंदा करते होंगे तो वह निंदा रूपी चांडाली निकली और ब्राह्मण के शरीर में वो जबरदस्ती, बहुत भयंकर थे देखने में, लाल लाल आंखें, बड़ी बड़ी धाड़ें और बुरा रूप उनका, और वो ब्राह्मण के शरीर में जबरदस्ती प्रवेश करने लगे। तो ब्राह्मण देवता जो थे उन्होंने मन ही मन गीता के पाठ का जाप शुरू कर दिया और राजा चुपचाप ये देखते रहे, और ब्राह्मण के जो हृदय में भगवान गोविंद निवास करते थे, शयन करते थे, तो वे उनका ध्यान करने लगे, और जैसे जैसे वे गीता के श्लोकों का उच्चारण करते गए, तो प्रत्येक श्लोक को आप मामूली मत समझिए, भगवान गोविंद के पार्षद हैं वे, तो प्रत्येक श्लोक के साथ भगवान गोविंद के कथा कहती है कि पार्षद उत्पन्न हुए और उन्होंने उन चंडालों को मार भगाया और वे चंडाल उनके शरीर का स्पर्श भी नहीं कर पाए और वहां से भाग निकले। अब ध्यान दीजिए, वो भाग निकले, वो नष्ट नहीं हुए, वो समाप्त नहीं हुए। तो क्या हुआ उनका, वो भाग निकले, नष्ट नहीं हुए, यानी घूम फिर कर पाप कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से आपके पास वापस आ ही जाता है। तो हमें तुम्हें निंदा करते वक्त या कोई भी पाप करते वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन देख रहा है, क्या है, पाप रुचिकर लगता है, पाप की खासियत है, बड़ा सुख मिलता है, बड़ा आराम मिलता है, बड़ा रुचिकर लगता है, और सबसे बड़ी बात की क्या जाता है करने में, कौन देख रहा है, किसको पता है, हम ये सोच लेते हैं, लेकिन पाप कभी पीछा नहीं छोड़ता, वो अपने दाता को समय अनुसार कभी ना कभी ढूंढ ही लेता है और उसके पास पहुंच जाता है। तो ये दोनों ऐसे ही भाग निकले, तो राजा ने पूछा कि हे महात्मन, आपने ऐसा क्या किया था कि ये दोनों भाग निकले? तो उन्होंने बताया कि मैं गीता जी के नवम अध्याय का पाठ प्रतिदिन किया करता हूँ, जिसके प्रभाव से पाप और निंदा साक्षात रूप धारण करके जो मेरे सामने आए थे वे मेरे सामने नहीं टिक सके और भाग गए। तो पाठ की ऐसी अद्भुत महिमा सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने ब्राह्मण देवता से गीता के नवम अध्याय का पाठ किया और दोनों ही समय आने पर मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो ये कथा सुनकर जब बकरे ने दो कथा सुनाई, क्योंकि बकरा पूर्व जन्म का ब्राह्मण था और ज्ञानी था, उसकी स्मृति भ्रंश नहीं हुआ था, तो ये कथा सुनकर राजा के भी जो बलि देने के लिए उस बकरे को लाए थे कान खड़े हो गए और उन्होंने तुरंत उसको मुक्त कर दिया। तो डियर वंस, यहाँ पर कथा क्या मैसेज देती है कि अगर हम चाहते हैं कि ज्ञात अज्ञात, जाना अनजाना कोई भी पाप हमारे शरीर में ना आने पाए, तो पाप को आने से पहले ही रोकना है और गीता के नवम अध्याय का पाठ करना है। नवम अध्याय का फल क्या है? आप पाप रहित हो जाते हैं। तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए कि आप पाप रहित हो जाएं? तो आशा करती हूँ कि आपको इसमें से और भी बहुत से लेसन मिले होंगे, जहाँ मैं स्किप कर गई कुछ ना कुछ आपने भी चुना होगा, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें कथा को सुनकर आपको और क्या नया मिला। थैंक यू।